नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में आज हम चुनाव, पंचायत चुनाव पर चर्चा करने वाले हैं। कोरोना संक्रमण काल में जिला पंचायतों के वार्ड सदस्य चुनाव में आगे रही समाजवादी पार्टी 2 महीने में ही बैकफुट पर आ गई। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग एक तरफा जीत हासिल कर सपा नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के उस उत्साह पर पानी फेर दिया, जिसमें वे दावा कर रहे हैं कि बाढ़ चुनाव में उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा संख्या में जीते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने धनबल, बाहुबल और प्रशासनिक सहयोग से जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हथियाई है। जानकारों का मत है, यदि समाजवादी पार्टी के इस आरोप को सही मान लिया जाए तो सवाल उठता है कि समाजवादी समर्थित निर्वाचित वार्ड सदस्य जीतने के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के खेमे में कैसे आ गए? उनकी पार्टी के प्रति आस्था कहाँ चली गई? जिला पंचायत के इन परिणामों ने मिशन 2022 के लिए सपा की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सपा जिन तैयारियों के साथ जनता से वोट मांगने जाएगी उसके लिए उन्हें अपने मेहनती, समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि पंचायत चुनाव की तरह ही कार्यकर्ता निष्ठा बदल लेगा तो फिर आप तो समाजवादी पार्टी किसके सहारे 2022 में सत्ताधारी भाजपा को टक्कर दे पाएगी? यानी कि अपनों से समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी 2022? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गगन चतुर्वेदी जी इटावा से मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के ओम हरि ओम पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के नेता हरि ओम पांडे साहब के पास जाऊंगा। सर, आपका दावा था कि आपने जिला पंचायत के सदस्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें सर्वाधिक सदस्य जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी को आपने पछाड़ दिया है, लेकिन सर चलिए, समाजवादी पार्टी शायद हम नहीं सुन पा रहे हैं, संबंध नहीं हो पा रहा है। हम रामदत्त तिवारी साहब के पास जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार। सर सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कोरोना संक्रमण काल में पंचायत चुनाव हुए थे और समाजवादी जी पार्टी दावा करती है कि उनके बाद सदस्य सर्वाधिक जीते थे, लेकिन जी सर और लेकिन सर जब पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ तो ये नतीजे बिल्कुल उलट हुए। क्या है वजह, क्या है सर? वजह तो बहुत स्पष्ट है, ये कोई नई बात उत्तर प्रदेश के इन चुनावों में, पंचायत चुनाव में नहीं है। जी कारण ये है कि सत्ता के बल पर जी मायावती ने सबसे पहले ये रास्ता निकाला था जी कि प्रशासनिक दबाव बना करके ग्रामीण निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्ता दल के समर्थन में जबरदस्ती वोट डलवाए थे। ये उस तरह के समाचार पत्र वगैरह सब बताते हैं, उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स बताती है। जी जी इसके बाद उस मायावती ने जो इस लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक कदम उठाया उसका अनुसरण समाजवादी पार्टी ने भी अपने सत्ता में आने पर किया जी। और दुर्भाग्य यह है कि भाजपा जैसी सिद्धांतवादी पार्टी ने भी मायावती और समाजवादी पार्टी द्वारा रचे गए इन षड्यंत्रों को अपनी सत्ता प्राप्ति का एक साधन बना लिया। जी जी बिल्कुल, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल सर, कि जब हम प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लेकर के और जनप्रतिनिधियों को की निष्ठा बदलवाएंगे, क्योंकि भारतीय राजनीति में निष्ठा कहाँ है? कुछ चंद लोगों को छोड़ दीजिए आप, जी जी आप एमएलए और एमपीओ की निष्ठा देखिए कितनी बदल जाती है। बिल्कुल सर, आज की सत्ता में जो भाजपा है जी और उसमें जो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं जी जी ये भी कहीं ना कहीं अपनी निष्ठा को लात मार करके यहाँ आए हैं और आज इनके साथ सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं। जी जी तो भारतीय राजनीति में जी संतत्व नहीं रह गया है, निष्ठा का कोई प्रश्न नहीं रह गया है। जी जी यहाँ निष्ठाएं तो बदलती रहती हैं। जी अभी महोबा में जी समाजवादी पार्टी का पिछले टाइम में अध्यक्ष था जी और जब भाजपा सत्ता में आई उसने अपनी निष्ठा बदली और वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना रहा जिला पंचायत का हमेशा, अभी जब सन्ने वर्तमान हुआ है। जी जी तो राजनीति में निष्ठा के लिए ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था दोषी है, जिसमें हम लोकतांत्रिक निष्ठाओं को बदलने पर कहीं दंडात्मक प्रक्रिया, कहीं भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें चेक एंड बैलेंस हो। जी बिल्कुल, हरिओम पांडे साहब आपसे संबंध नहीं हो पाया था, सवाल सबसे पहले आपसे ही था। मेरा सवाल यह है कि सर आपने जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में
दावा किया था कि आपने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया, लेकिन जब अध्यक्ष बने तो साहब आप दाही का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए सर। सर ये तो जिसे आपके सामने पूरा पूरा ताकत का दुरुपयोग किया गया है जी, जो अभी चुनाव हुए जो हमारी पार्टी से समर्थित लोग थे जी वो ज्यादा मात्रा में जीते पूरे प्रदेश में देखा जी। लेकिन जब उन्हीं मेंबरों को अपना अध्यक्ष चुनना था जी, उनके ऊपर अनैतिक तरीके से मुकदमे ला दिए गए। उन्नाव के हमारे कैंडिडेट हैं, उनके पति डिप्टी कमिश्नर है इनकम टैक्स में, उस पर दबाव डाला गया जी कि उन्हें नौकरी करनी है तो आप कैंडिडेट बनिए भाजपा से, नहीं तो उनको दिक्कत हो जाएगी जी। तो वो भाजपा कार्यालय इसीलिए बात करने गए थे कि ऐसा दबाव ना डाला जाए, तो हमारे पार्टी में हमने उनको पद से निकाला और उन्होंने अपना नाम वापस लिया। ये ताकत का पूरा पूरा खेल है और ताकत का इतना दुरुपयोग करना, रामपुर में दो ऐसे कैंडिडेट जो वोट देने जा रहे थे उनके वोट ना पड़ गए, किसी को डलवा दिए गए, ये वोट उनको हेल्पर क्या हो सकता है, ये ऐसा कहीं था नहीं। तो वोटर जो बड़ी कटिंग पार करके उस स्थान पर पहुंच गए जहां से सिर्फ बैलेट बॉक्स को उनको जाना था, वहां से वोटर को गायब कर दिया गया। तो इस प्रकार की स्थिति अगर कायम रहेगी तो जंगलराज है ये दिखाना चाहते हैं कि पेपर के माध्यम से हमें इतनी जीत मिली, ये पब्लिक में संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक से इनका विश्वास हो चुका है कि हर व्यक्ति जान रहा है, लेकिन ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रयास इनका सफल नहीं होगा, जनता सब देख रही है। हरिओम पांडे साहब, ये तो केवल एक दो जगह है, आप क्या आप पूरे 75 जिला पंचायतों में आपने चुनाव लड़ा और आपका जो दावा था कि आप बहुत से कई जगह कई अंतर बहुत हर जगह अंतर है ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप अध्यक्ष नहीं बना पाए। चलिए मैं गगन चतुर्वेदी के पास जाऊँगा सर, 2 महीने में आपने कमाल कर दिया साहब, जहाँ भाजपा बेहद कमजोर थी वहाँ भी आपने अपना अध्यक्ष बना लिया सर, ये करिश्मा कैसे कर लिया आपने सर? हम पूर्व में भी कहते आए हैं, आपकी जिमेज पर बैठे हैं, हमने उस समय भी आपको अवगत कराया था कि 3050 इन टोटल मेंबर हैं, सदस्य हैं जिला पंचायत की जी। और उस समय इनके 764 आए और मेरे 750 आए जी। इन लोगों ने तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है जी। हम लोगों ने अपनी जमीनी हकीकत को देखा, जमीन पर काम किया। मैंने उस समय भी आपको डिबेट में अवगत कराया था कि हमारे कुछ सदस्य विरोधी बनके चुनाव लड़ गए, वो जीत गए, वो हमारे साथ खड़े हुए मैदान में जी जी। और वो हमेशा हमारे साथ रहे, 1300 मेंबर के लगभग हमारे साथ रहे। और जो आरोप लगाया जा रहा है, प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का प्रयोग किया, तो हमने क्यों नहीं जावर में किया, हमने क्यों नहीं जौनपुर में किया, हमने क्यों नहीं प्रतापगढ़ में किया, हमने क्यों नहीं आजमगढ़ में किया, जबकि जौनपुर में तो भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्य थे, बीएसपी के 10 थे, अपना दल के 7 थे, निर्दलीय 50 थे, तो स्वतंत्रता से उन्होंने मतदान किया। आपके हरिओम यादव जो हमारे पास के विधायक फिरोजाबाद में है, समाजवादी पार्टी के, उनकी डिबेट चल रही थी कि इससे अच्छा निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। हम नहीं कह रहे, आप ही के दल के लोग कह रहे, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे, कांग्रेस के लोग कह रहे। हाँ बस इतना जरूर है कि मैंने जमीनी धरातल पर काम किया और काम करने के बाद उसका परिणाम अच्छा रहा। लेकिन सर आपने धरातल में काम किया, लेकिन पंचायत के चुनाव में जो समर्थित सदस्य जो निर्वाचित हुए, आप जरूर कह रहे हैं कि आपके निर्दलीय और सब जीते, लेकिन जो समर्थित थे उनकी संख्या तो समाजवादी पार्टी से कम थी सर आपकी? कुछ कम थी, हम ये नहीं कहना चाहते कम नहीं थी जी, कुछ कम थी जी, लेकिन हमने फील्ड पर काम किया, हमने जमीन पर चले, हमने कार्यकर्ताओं से संपर्क बना के काम किया। आपने ऐसा काम किया कि सामने वाले की निष्ठा ही बदल दी आपने, बदलवा दी प्रबंधन से काम किया, निष्ठाओं को नहीं बदला जी। हमने तो निर्दलीय से संपर्क किया, अन्य लोगों से संपर्क किया जी। हम जहाँ पर कमजोर थे धीरे धीरे हम आगे बढ़े जी। ये लोग केवल बंद कमरों में बैठे रहे और बाद में कह गए ना सुनाए आंगन टेढ़ा। चले हरिओम पांडे साहब, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, आपको कुछ आइडिया ही नहीं था, आपको जानते ही नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं उस पे आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मानने वाले कह रहे हैं ना, मैंने निर्दलियों को जोड़ा, मैंने धरातल पर काम किया। ये जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने धरातल पर काम किया था, इन्होंने पब्लिक को वोट दिया, लेकिन जो खुद नेता बन के आ गया है वो कैसे खुश होगा? उसको बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं दी गई है, उसको प्रलोभन दिया गया है, उसको दबाव डाला गया है। अगर आप नहीं करोगे तो आप पे मुकदमा लगेगा, आप नहीं करोगे तो आपको ये हो जाएगा, आप करोगे तो आपकी मदद की जाएगी। तो आज का व्यक्ति महत्वाकांक्षी बहुत हो गया, लोगों के दल के प्रति निष्ठा तो है कि जब सामने कोई लालच का दबाव आता है तो आदमी भागने में देर नहीं करता है। उसका नुकसान हमारी समाजवादी पार्टी ने खेला, जहाँ जहाँ हमारे सैनिक फिट बैठे, हमारे लोग बहुत चुस्त दुरुस्त थे, वहाँ ये कुछ ना कर पाए। जहाँ धाका का भी ढीलापन महसूस हुआ, वह इनकी सरकारी मशीनरी काफी जो गई और हमको उन्होंने डैमेज कर दिया।
मेरा कहना ये पांडे साहब, एक सवाल और मैं जोड़ दूं आपसे, आपने वरिष्ठ पत्रकार साहब को सुना होगा, उन्होंने कहा कि मायावती जी के शासनकाल में जो खेल शुरू हुआ था वो समाजवादी पार्टी ने भी वही अपनाया, उसके बाद दुर्भाग्य से सिद्धांत पे काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं सर का ये कहना है कि लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें जिस स्थिति उचित नहीं है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ सर, आप अपना जिन सदस्यों को आप अपना समर्थित सदस्य मान रहे थे वो सर भारतीय जनता पार्टी में कैसे शामिल हो गए सर, कैसे चलेगा सर? कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आपकी भी चूक है, आपकी जो तैयारियां थी उसमें आप या तो आप समझ नहीं पाए, या आपको इतना भरोसा नहीं था कि आपके लोग भी चले जाएंगे, या फिर आपने अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए सर? सर संतुष्टि की बात नहीं है, हमने उनको समर्थन दिया, पब्लिक उन्होंने काम किया इसलिए उनको विजय मिली। लेकिन जब आपके ऊपर बहुत लंबा दबाव होता है तो उस दबाव के आगे बहुत ही परिस्थितियां ऐसी पैदा होती है आदमी सब कुछ खोलने को तैयार हो जाता है। सर मैं इधर आपको जोड़ूंगा, तो क्या आप ये जो आपने कहा कि हमने उनको समर्थन दिया और वो जीते, तो आप ये माने कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही कोई दलगत सिंबल के आधार पे चुनाव तो था नहीं सर, वो तो आपने आपके जो लोग थे जिन्हें आप कह रहे थे वो आपके नहीं थे, वो तो सरकार की नीतियों को लेकर जनता के पार, जनता ने खुश होकर उनको वोट दिया, और जब वोट दिया तो फिर वो जाके वो सर आपने उनको अपना बताया, और लेकिन बाद में जब वो जहाँ के थे वहाँ उनको समर्थन कर दिया सर? नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, सरकार की नीतियां यदि अच्छी होती तो इनके ही लोग जीतते ना जी, हमारे समर्थित लोग क्यों जीते? क्योंकि सरकार की नीतियों से आदमी नाराज है, परेशान है, बेरोजगारी भुखमरी चरम पर है। आप किसी से पूछिए, कड़वा तेल लीजिए, इनका बिजली में खेल लीजिए, स्मार्ट मीटर जिनकी सरकार की समितियां कह रही है कि स्मार्ट मीटर वाकई स्मार्ट है, उससे हर आदमी परेशान है। लेकिन अब ये हुआ कि जब आदमी कहा जा रहा है अगर आप वोट नहीं दोगे आपके जांच हो जाएगी, आप पे मुकदमा लग जाएगा, आप पे ये हो जाएगा, तो डर के मारे आदमी को समर्पण करना पड़ा। अब लोग पछता रहे हैं, गलती तो कर दी, तो लालच तो बहुत बड़ी चीज है अपने देश में। लालच अभी सर, अभी तो जश्न मन रहा है, पछताना कहाँ से आप बता रहे हैं, अभी तो जश्न मन रहा होगा सर, अभी एक ही दिन कुछ नहीं। वो जब वो पता चल रहा है कि पार्टी से उनका निष्कासन भी होना है तो कष्ट हो ही रहा है, पहले ऐसा लगता है कि हमें कर जाएंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो सर सरकार बीजेपी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है सर, आपसे उससे क्या नुकसान, आप ही कमजोर हो रहे हैं सर। 2022 में आपको निष्कासन कर देंगे तो कार्यकर्ता कहां ढूंढेंगे सर? नहीं सर, जो निष्ठावान नहीं है वो नहीं चाहिए, जो पार्टी के प्रति पब्लिक के प्रति निष्ठावान है उसकी जरूरत है। मौका लोगों से कभी सरकारें नहीं बनती है, बनती तो चल नहीं पाती है। चलिए रामदत्त तिवारी साहब, आपने हालांकि जवाब दिया, लेकिन मेरा फिर से एक जिज्ञासा है सर कि पिछली बार जब अखिलेश यादव जी सत्ता में थे तब पंचायत चुनाव हुए थे तो सर्वाधिक अध्यक्ष जो थे समाजवादी पार्टी के बने थे। अब सर आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और ये दुर्भाग्य की सिद्धांतों पे काम करने वाली है, तो मैं ये सर समझना चाहता हूँ कि इस तरह के जो चुनाव होते हैं उसमें क्या सर सत्ता की चमक रहती है, सत्ता का प्रभाव रहता है क्या सर? ये व्यवहारिक रूप में तो रहता है जी, इसमें इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हम दो चीजें देख चुके हैं, दो इसके पहले उदाहरण देख चुके हैं सर। लेकिन एक बहुत बड़ा मूल प्रश्न आ रहा है इसमें जी सर, जो छूट रहा है चर्चा में, वो ये है कि हम दलगत राजनीति पर विश्वास करते हैं जी, और पंचायत चुनाव में दलगत चिन्हों को बाहर कर देते हैं। बहुत सही बात, अगर वहां भी हम दलगत चिन्हों के आधार पर चुनाव लड़े होते बिल्कुल सर, आज इस आर्गुमेंट की आवश्यकता ना पड़ती। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि हम चाहते हैं कि गीली मिट्टी की जिस मूर्ति का आकार देना चाहें हम जब सक्षम हो तो अपने मन की मूर्ति गढ़ लें जी जी, और उसी के आधार पर जब जो सत्ता में रहे हैं तब तब उनके जिला पंचायत अध्यक्ष जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उन्होंने कैसे बनाए, वो बात अलग है कि वो इधर उधर की बातें करें एक अलग बात। या सर फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया, जनता ही अध्यक्ष चुने सर, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल चुने, इसके अच्छा तो कुछ है ही नहीं जी जी। चलिए लेकिन फिर लोगों का जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकारें हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे जी, किसी की भी सरकार रहे वो अपने हिसाब से ही करेंगे अपना प्रभाव रखने के लिए। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे कानून में होनी चाहिए। बिल्कुल सर, हम लोकतांत्रिक देश होते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने में रुचि नहीं ले रहे हैं जी जी। गगन चतुर्वेदी साहब, आपने सर को सुना और हरिओम पांडे साहब को भी सुना, मैं एक सवाल और इसमें इन कर रहा हूँ सर कि आप पर खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं सर, आप पर प्रशासनिक लाभ लेने का आरोप लग रहा है सर, अगर सर इस तरह के आरोप सही हैं तो क्या मतलब है सर इस तरह की चुनाव कराने का? अब तक तो आरोप लोग लगाते हैं जी,
के आरोप हैं जी, लेकिन कोर्ट में आपने देखा होगा हमारे लोगों को नामांकन तक नहीं करने दिया जी। उसके पहले उनके घर पर पुलिस और तमाम पहरा लगा रहता था। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में सभी ने नामांकन किया अपना अपना जी, और जो सदस्यों की संख्या बता रहे हैं उसके बारे में भी अवगत कराना चाहता हूँ आपको जी भाई साहब जी। 764 का अंतर था, 764 समाजवादी पार्टी के और 762 भारतीय जनता पार्टी के थी। बीएसपी के 322, 77 कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के 64 और 11 सौ निर्दलीय थे। और जिन लोगों ने हमसे, सब लोगों ने आस्था व्यक्त की है, हम लोगों के पास आए, निष्पक्ष चुनाव हुआ, कहीं पक्षपात नहीं किया गया। और अगर पक्षपात किया गया होता तो इटावा में क्या होता, आजमगढ़ में क्या होता, ये इस जगह क्यों नहीं हुआ जी, बागपत में क्यों नहीं हुआ जी, प्रतापगढ़ में क्यों नहीं हुआ, जौनपुर में क्यों नहीं हुआ। तो जहाँ पर ये लोग हारे हैं उस जगह पर आरोप लगाने लगे कि सत्ता पक्ष का दुरुपयोग हुआ, जीते हैं वहाँ कोई हारे हैं वहाँ आरोप, जीते हैं वहाँ कोई आरोप नहीं जी, जी। इसके पहले भी जब हम लोग चुनाव लड़ते तो ईवीएम पर आरोप लगाया जाता था कि वो ईवीएम हैक कर ली, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं बनी किसी ने नहीं बोला, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं बनी किसी ने नहीं बोला, पंजाब में हमारी सरकार नहीं बनी किसी ने नहीं बोला। क्या कारण है भाई साहब, हम ही आरोप के लिए गए, कितना निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति पर आरोप और लगाए जा रहे हैं। हरिओम पांडे साहब जी, जवाब दीजिए। अब ये तो देखिए, वरिष्ठ नेता है और कभी भी कोई कहता है कि हमने चोरी की, आरोप तो इस पे हर आदमी लगा रहा है, ताकत का इतना दुरुपयोग किया, इतना दुरुपयोग किया कि सामने वोट डालने वाले वोटर वहां से भगा दिए गए और 3 बजे तक उनको आने नहीं दिया। 3 बजे के बाद वो आए हैं, जब वो वोट डालने को उनका मौका समाप्त हो गया। इटावा में इन्होंने आरोप लगाया कि इनका एक मतदाता निर्दलीय, उसका किडनैप कर लिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। वो कोर्ट में जाके मेंबर कह रहा है मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, रहूंगा, इनको ही वोट दूंगा। और फिर वहां इन्होंने झगड़ा चालू कर दिया, क्योंकि आज ये इतने सरकार चला रहे हैं, सारा प्रबंधन इनके पास है। हाँ, ये जरूर है कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, जो हमने अपने कुछ उन लोगों पे ज्यादा भरोसा कर लिया कि जिनको मैंने चुनाव लड़ा, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ाया, वो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन इन्होंने उनको रातों रात उठवा लिया, उनसे इतना दबाव डाल दिया, वो कहीं ना कहीं भाग गए, उसका खमेजा आज पार्टी भुगत रही है। हरिओम पांडे साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको जब मालूम था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप पहले से ही कह रहे थे कि इसमें धनबल, बाहुबल और प्रशासनिक हस्तक्षेप होगा, तो सर आपने पहले से तैयारी ऐसी क्यों नहीं की? कहाँ चूक हो गई सर आप, कि आप अपने निर्वाचित सदस्यों के ज्यादा संख्या में होने के बावजूद तो अपने अध्यक्ष नहीं बना पाए आप सर? कहीं कहीं देखिए, आपने देखा चूक के बावजूद 11-11 जिला अध्यक्ष हटाए गए, जहाँ जिन्होंने भिलाई की है उनसे कार्रवाई रणवीर अध्यक्ष जी ने की है और अभी भी इसकी जांच चल रही है। जहाँ जहाँ जिन संगठन पदाधिकारियों की गलती होगी उनको इसकी सजा निश्चित मिलेगी। नहीं तो आप मान रहे हैं ना सर, आप मान रहे हैं कहीं ना कहीं आपसे चूक हो गई है? नहीं, चूक हमसे हो गई, उस चूक का पूरा लाभ उन्होंने उठाया, पूरी मशीनरी से उसका उन्होंने बिल्कुल सही मायने से, जिसको हम कहते हैं दुरुपयोग। सर विधानसभा चुनाव के पहले आपने अपने ही गोल में बॉल मार दी सर, आप कह रहे हैं चूक कर, ध्यान तो रखना चाहिए सर। अगर आप जो दावा कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं सर, अगर इस तरह की चूक होगी तो कैसे दावा करेंगे कि आप मिशन 2022 में आप ही सफल होंगे सर? सर गलतियों से ही सीखा जाता है। चलिए, हमें पूरा भरोसा था कि हमारे ये मेंबर जीत के आएंगे, लेकिन इनकी ताकत के सामने कहीं ना कहीं हमें लगा कि हम कमजोर हुए हैं। अब दोबारा ये मौका इनको नहीं मिलने वाला है, जनता सब देख रही है, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव था, आने वाले 22 में पब्लिक का चुनाव है, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार का चुनाव होना है। चलिए, गगन चतुर्वेदी साहब, गगन चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश में कई छोटे छोटे दल एक हो रहे हैं और वो कह रहे हैं, कसम खा रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि अगली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे, क्या बोलेंगे आप? हम इतना ही कहना चाहते हैं, मैंने पूर्व में भी आपको अवगत कराया था जी, अभी हरिओम भाई साहब हमारे सक्षम है, उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया जी। मैं पहले भी कहता था फील्ड पर काम करिए, हमारे संगठन से नीचे से लगा के ऊपर तक सभी लोग फील्ड पर जाते, सभी लोग काम कर रहे, जनता का विश्वास जी। हम लोग राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है जब सभी लोग विपक्षी दल एक इसलिए हो रहे, भारतीय जनता पार्टी से खड़ा है, एक तो सभी होते ही ये लोग जब जानते हैं कि इसको दबा नहीं पाएंगे तो सारे लोग इकट्ठे होने लगे, और इकट्ठे होने के बावजूद भी आप
कार्यकर्ता हूँ कि जनता हम पर 100% विश्वास करती है जी। और उसका रिजल्ट भी मुझे प्रदान करती है जी। जनता का विश्वास मुझे जीतना है, जनता के लिए काम करना जी। जी हरिओम पांडे साहब, एक सवाल आपसे है, फिर मैं रामदत्त तिवारी साहब के पास जाऊंगा। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दावा कर रहे हैं कि अब की बार 300 पार यानी 300 से ज़्यादा विधायक जिताकर भारतीय जनता पार्टी एक बार लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी, क्या कहेंगे आप? सर, ये तो बंगाल में भी कह रहे थे और अभी जिला पंचायत चुनाव में आपने देखा जहाँ मशीनरी का उपयोग मोटे तौर पर होना था वहां इन्होंने कर लिया। पब्लिक के चुनाव भी ये नहीं कर पाएंगे, जनता इनके साथ नहीं है, किसी कीमत पर इनके साथ नहीं है, ये आप 22 में देख लेंगे पूरी तरह से। सर, आप जैसा कर रहे हैं, हरिओम पांडे साहब जैसा आप कह रहे हैं कि जनता आपके साथ है, चलिए जनता ने आपके सदस्य जिता लिए, लेकिन नेता तो आपके साथ नहीं है सर, जो आपके जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं वही आपके साथ नहीं, वो दूसरे पाले में चले जाते हैं। सर, अगर ऐसा ही होगा तो कैसे काम चलेगा? सर देखिए, अभी जब आपको बताया जाएगा कि आपके पति की नौकरी हम ले लेंगे, आपके पति को हम जेल भेज देंगे, आप पर मुकदमा लग जाएगा और आपको किडनैप कर लिया जाएगा, जबरदस्ती साइन करा लिया जाएगा, तो आदमी क्या करेगा? सर एक दो जगह का है, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ही हुआ है क्या सर? अरे पूरे यूपी सरकार इनकी सर, जहाँ मैनेजमेंट ने नहीं करवाया वहाँ फेल हुए हैं। बाकी तो आप सर लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करना चाहिए, आपने कुछ नहीं किया, आप लोग हाथ खड़े कर लिया आपने। रामपुर में नेता प्रतिपक्ष गोविंद चौधरी जी, कई विधायक सब धरने पर बैठे, कोई अधिकारी पूछने तक नहीं कि आप धरना क्यों दे रहे हो जी। सबने वहाँ आवाज उठाई कि हमारे जो वोटर वोट डालने गए हैं, वोट मतपेटी के पहुंचने से पहले उनको गायब कर दिया गया, उनको हाजिर किया जाए। मैं देखना चाहता हूँ सुरक्षित है कि नहीं है। 3 बजे तक कोई सुनने लगे, जैसे 3 बज गया पोलिंग का टाइम खत्म हो गया, उनको बता दिया गया तो वहाँ टहलना है। वो बता रहे साहब हमको तो पकड़ के लोग लेके गए यहाँ से, मैं वोट नहीं डाल पाया। ये ताकत का तो इन्होंने उपयोग किया, लेकिन पब्लिक ने देख लिया कि उन्होंने कितना दुरुपयोग किया। जब बड़ी भारी मात्रा में वोटिंग होगी कहाँ का मैनेजमेंट करेंगे ये। गगन चतुर्वेदी जी, अंतिम सवाल आपसे, फिर मैं सर के पास लास्ट में जाऊंगा। गगन जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से हरिओम पांडे या समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि आपने जनता के द्वारा निर्वाचित जो सदस्य हैं उसके जनता के आधार पर आपने उनका दुरुपयोग किया है, उनके जनाधार का दुरुपयोग किया और धनबल और बाहुबल के दल पे के आधार पर आपने अपने अध्यक्ष बना लिए। सर, जनता आपको सबक सिखाएगी, ऐसा कहना समाजवादी पार्टी के आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता आपको सबक सिखाएगी, क्या करेंगे सर तैयारी? अभी पांडे जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हम 3 से कहां पर पहुंचे जाके हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, ये लोग नीचे जा रहे हैं जी, ये लोग फील्ड पर काम करने वाले नहीं है, ये लोग आरोप प्रत्यारोप का दौर सुनाते रहते हैं कि वहाँ पर हारे यहाँ पर हारे, बस यही देखते रहे जी। जी हम लोग अपने कार्यों पर विशेष ध्यान देते हैं, जमीन के धरातल पर जाते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 100% उत्तर प्रदेश में 300 को पार करूंगा। चलिए, और जनता का पूर्ण रूप से समर्थन एवं विश्वास है, अगर विश्वास नहीं होता तो पंचायत चुनाव में मुझे जीत नहीं हासिल होती, लोग पहले ही भाग जाते, सदस्य आरोप लगाने लगते कि हमारे हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा। कहीं कोई ऐसा आरोप लगा मीडिया के सामने? जब चुनाव हार गए उसके बाद तो आरोप सभी लोग लगाना जानते हैं, चुनाव के बाद आरोप लगाए, चुनाव के पहले आरोप लगाए जाने चाहिए, चुनाव के पहले कहना चाहिए था कि यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, हमें अंदेशा है, क्यों नहीं लगाया? चलिए तिवारी सर, जिस तरह से निर्वाचित सदस्यों की निष्ठा बदल रही है सर, जिस तरह से चुनाव प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा जैसे दल और विपक्ष के लोगों का कहना है, सत्ता दल और विपक्ष का कहना है, सर मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह से जो निष्ठा बदल रही है वो लोकतांत्रिक के रूप में, लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में कितनी मतलब संकट माना जा सकता है क्या इसमें सर? ये देखिए, नैतिकता का संकट तो है राजनीति में जी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते जी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राजनीति में A to Z इसको निर्मूल करने के लिए कहीं चिंतन भी नहीं चल रहा। बिल्कुल सर, वो ये मान के बैठे हैं कि जिस समय हम सत्ता के शीर्ष पर होंगे हम जैसा इन्होंने किया है वैसे ही हम भी कर लें जी, जी। और इसीलिए राजनीतिक आंदोलन जो होना चाहिए, लोहिया कहते थे कि हम सत्ता से सड़क पे लड़ेंगे जी। वो जो एक चिंतन लोहिया का था वो समाजवादी की, हाँ वो चिंतन भी इसलिए गायब है क्योंकि वो सोचते हैं कि जब हमने किया है तो अब ये कर रहे हैं, हमारी बारी आएगी तो हम भी करेंगे जी जी। सब बंधे एक डोरी से, कोई नहीं कहते कि हम बंधे हैं चोरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे कुल मिला के बिल्कुल सर, ये अच्छा प्रश्न है। लोकतंत्र में वोट ही जीत का आधार होता है, जिसे ज्यादा वोट मिले वो जीता है।
इस जीत के पीछे समीकरण क्या रहे हैं इसका प्रत्यक्ष रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस कई सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। इन सवालों का जवाब सत्ता हो या विपक्ष में बैठे हैं उसे निकालना होगा। अगर ये ऐसा नहीं है तो लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान नहीं हो पाएगा। आज की चर्चा में इतना ही। रामदत्त तिवारी साहब आपका, गगन चतुर्वेदी साहब आपका, हरिओम पांडे साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल एक नए विषय के साथ, नए पैनल के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।